तो गाइस अभी बैठ चुका हूँ टोटो में और अभी जा रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर। अभी आ चुके हैं हम यमुना जी के पास। गुड मॉर्निंग गाइस, आ चुका हूँ और इतना ब्रांड वीडियो लेके। तो आपने कल का वीडियो देखा ही होगा, कल रात को प्रेम मंदिर गया था, प्रेम मंदिर से आया था होटल में, तो आपको दिखा देता रूम कुछ खास नहीं है, एक से छोटा एक रूम है और यहाँ पे बेड है और वॉशरूम वगैरह है और यहाँ पे मेनू कार्ड लगाया गया और एक पराठा है। सो रूम का कॉस्ट था ओनली 500 रुपीज़ और यहाँ पे इससे भी सस्ता मिल जाता आश्रम में, 200-300 रुपये में रूम मिल जाता है, लेकिन हमने सोचा कि होटल में जाए तो थोड़ा वो अच्छा होगा, आश्रम से आश्रम में कभी गया रुका नहीं था इसलिए तो रूम लिए थे। तो अभी तो चलेंगे बाकी बिहारी मंदिर की तरफ, उसके बाद चलेंगे यमुना जी में नहाएंगे, उसके बाद दोपहर को जाऊंगा वृंदावन में। ठीक है, मेरा पेट तो ऐसे भी ख़राब है क्योंकि अभी जस्ट आया हूँ केदारनाथ से। तो आपने अगर केदारनाथ को ब्लॉग नहीं देखा तो देख सकते हो, केदारनाथ का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हो। केदारनाथ ट्रिप बहुत ही मस्त वीडियो बना हुआ ना, आप जाकर चेक कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी तो चलते हैं बाहर, बाहर से आपको होटल का तो कुछ दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। ठीक है, सो लेट्स, होटल से निकल चुका हूँ, अभी जाऊँगा बागे बिहार मंदिर की तरफ और ये था अपना होटल। और अभी यहाँ से लूँगा टोटो, टोटो लेके चलेंगे बागे बिहार मंदिर की तरफ। और गाइस आज तो यमुना जी में एकदम तैरेंगे, बोले तो मछली बन के, तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो मिल जाएगा। यार गाइस कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ पैसा निकालने के लिए, यहाँ पे ATM में पैसा मिलता ही नहीं है कि कल से 3-4 ATM में गया पैसा नहीं निकल रहा था, और इसमें अभी आया हो तो सेंट्रल बैंक का ATM है तो इसमें तो मतलब क्या होता है, एक प्रेस करने से 2 प्रेस हो जाता है और पिन मारने से पिन जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा पिन टैग दिखा रहा है और विड्रॉ नहीं हो रहा है, कैंसिल दिखा, बार बार कैंसिल दिखा रहा है, अभी पैसा का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब कैश है ही नहीं अपने पास, पूरा ही कैश बचा है, अभी कैश का बहुत ज़रूरत है। और या फिर ATM बहुत ही क्या बताऊँ, कह रहा है कि भैया कह रहे थे या फिर मथुरा जाने के लिए मथुरा में ATM अवेलेबल मिल जाएगा, कभी ऐसे वृंदावन से मथुरा जाना पड़ेगा केस के लिए, देखते हैं आसपास भी ATM नहीं है, एक गूगल में देखा था बहुत दूर है, ऐसे 2 किलोमीटर दूर एक ATM है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि केस नहीं हो तो काम नहीं चलेगा ना, तो देखते ही क्या होता है क्या नहीं। और हाँ आप कहीं से भी आते हो तो आप कैश ले आना, क्योंकि अब मैं सच बता रहा हूँ कल रात से बहुत परेशान हो चुका हूँ कैश के लिए, होटल में तो वो कर दिया था मैं गूगल पे कर दिया था, अरे आप इसलिए क्या बताऊँ, चलो देखते हैं कहाँ कैश मिलता है। तो गाइस अभी बैठ चुका हूँ टोटो में और अभी जा रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर, तो वह भी जगह आपको मस्त मतलब भी दिखा दूँ और यमुना जी में भी जाऊँगा। यार गाइस चश्मा ले गया, देखते हो चश्मा ले गया यार, अभी फ्रूटी देने से चश्मा वापस करेगा, मामू का भी चश्मा ले गया और एक अंकल नाना जी का भी चश्मा ले गया यार, चश्मा दे दे, नहीं जाएगा वो दे देगा। अभी जा रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर में और फूल ले लिया नाना जी के लिए, तो अभी जाके पूजा करते हैं उसके बाद। ठीक है, नाना जी का दर्शन हो चुका सुबह सुबह, अभी चलते बाहर की तरफ, और बहुत ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी भीड़ था, और आपको पता ही होगा कि अंदर फोन अलाउ नहीं है इसलिए वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनी है। जा रहे यमुना जी की तरफ काला वाला ना, और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम वृंदावन, साल हर जगह पर फाइनली कैश निकल चुका हूँ बहुत टाइम बाद, है भाई अवेलेबल है, सो काफ़ी दूर आना पड़ा केस के लिए, यहाँ पे केस का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो अभी चलते हैं यमुना जी की तरफ। ठीक है, वहाँ पे जाके बोटिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस, अभी आ चुके हैं हम यमुना जी के पास,
और अभी चलेंगे उस पार जाएंगे, थोड़ा बीच का मजा लेंगे, उसके बाद नहाऊंगा गंगा जी में और बोटिंग भी करूंगा। बोटिंग अभी देखता हूँ कितना प्राइस होगा कितना नहीं पर पर्सन, ठीक है। तो मेरे साथ मम्मी दो जन जाएंगे, एकदम चिल करेंगे। अगला साल आया था तब तो बारिश गिर रहा था और बोटिंग कर रहा था बारिश में, बहुत मज़ा आया। और इस साल भी मज़ा आएगा क्योंकि अभी मामू है साथ में और चलेंगे। और ये रहा आपको इंडिया का फ्लैग, जय हिंद जय भारत वाला, तो चलते हैं उस पर। गाइस अभी हम बोट में बैठ चुके हैं और मैंने और मामू ने पर्सनल बोट बुक किया है, क्योंकि अगर शहरी में जाते हो तो 80 रुपीज़ पर पर्सन में आपको पार करवा देगा, लेकिन हमने पर्सनल करवाया है इसलिए क्योंकि हमें नहाना है बोट टाइम और घूमना भी है उस साइड और थोड़ा यमुना जी में भी घूमना है, इसलिए हम दोनों ने पर्सनल ले लिया। दोनों शहरी में चलेंगे और कोई भी नहीं है, भैया है जो बोट चला रहा है, अभी चलेंगे उस पर जाएंगे, क्या मजा करेंगे और नहाएंगे। और पानी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि पानी दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं उस पर। फाइनली यमुना जी का इस पार आ चुके हैं और अभी नहाएंगे और बोट में है अपना शाम का कुछ लोग, भैया लोग है अपना लामडिंग से भी है, जो अपना घर का पास में भी एक भैया मिल गया जो आए थे आज यहाँ पे वृंदावन में। और अभी तो यमुना जी में नहाएंगे, बस अपने पास बहुत टाइम है क्योंकि हमने पर्सनल बुक किया था, तो क्या होता है कि पर्सनल में आप जितना टाइम ले सकते, जितना टाइम मतलब उतना भी नहीं, दिन भर नहीं ले सकते हो ना, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है। आप ऐसे शेयरिंग में आओगे तो आपको सिर्फ 2-3 मिनट भी देगा, बोलेगा जाओ उस पर थोड़ा वो करके आओ फिर चलो। इसलिए हम लोग अभी बिंदास यहाँ पर नहाएंगे, चारों तरफ व्यू देख सकते हो। और फिर से भैया जा रहा, भैया ने बोला कि मैं छोड़ के आता हूँ, आज जब भी हो जाए तो एक कॉल कर देना, नहीं तो भैया खुद आके ले जाएंगे। अभी तो मामू ने शर्ट ओपन कर लिया, अभी मैं भी पूरा ड्रेस वेस खोल के नहाता हूँ, ठीक है। तो लट से बहुत ठंडा है और पानी बहुत गहरा भी है, जय माँ। तो सीधा तो खराब, पहले सीधा खरा आओ, पानी गहरा है जो भी हो भाई, पानी बहुत गहरा है, आगे नहीं जाऊंगा गाइस, पानी बहुत ठंडा है, अभी तैरेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ उस पार से, अभी चलेंगे गोवर्धन पर्वत की तरफ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, नहाया, पानी थोड़ा ठंडा था और गंदा भी था फिर भी। सो आ गए हैं हम इस पार, और इस पार का व्यू गाइस, मामू ने बिस्किट का पैकेट यहाँ पे फेंका है तो मामू नहीं उठाएगा, तो मैं मामू का वीडियो वायरल कर दूंगा, लोगों को छोड़ो, लोग तक फेंके गए, लोग को क्या बताऊँ, हर जगह में फेंकता है। तो अभी मामू उसको बैग में डालो, बैग का पानी वाला उसमें डालो, डस्टबिन मिलेगा तब फेंक, नहीं वही पे डालो, नहीं तो जेब में रखो, नहीं नीचे मत फेंकना, मैं तो सबको बता दूंगा, नहीं फेंकना नहीं है, पहले तो उसको डस्टबिन में फेंकना है, गुड बॉय। क्योंकि कहीं पे भी जाओ गंदा मत करो, कुछ रैपर वगैरह यहाँ पे मत फेंको और पानी का बोतल भी मत फेंको, क्योंकि यमुना को साफ करने का जिम्मा हमने लेके रखा है, मैंने लेके रखा है। डस्टबिन में डालो, गुड बाय। देखो ऐसे काम करो अच्छा लगता है, क्योंकि लोग फेंकेगा तो इसका मतलब हम भी फेंकेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना, अगर सब ऐसे सोचेगा तो यमुना कभी भी साफ नहीं होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यमुना गंदा होता है दिल्ली से, और हम हैं दिल्ली वाले, तो लोग बोलेगा कि दिल्ली वाली यमुना को गंदा करता है, लेकिन हर दिल्ली वाले गंदा नहीं करता है, वही बात है। तो अभी जा रहे हैं निधिवन की तरफ, यमुना जैसे अभी इस तरह जाऊँगा निधिवन, उसके बाद जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने। सो
चलते हैं जाके आपको निधिवन का फील दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं निधिवन, अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको निधिवन का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। और मुझे मिल चुका है एक बाबा एक माँ, उनसे भी मिलाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं अभी हूँ निधिवन के अंदर, और इधर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है, फ़ोन ग्लास चश्मा वगैरह सब ले जाता है, इसलिए मैं फ़ोन नीचे करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि ना ले जाए। और मैं आपको ऐसे ही व्यू दिखाता हूँ निधिवन का मस्त वाला, और बाहर जाके बात करते, ठीक है। फिर से अभी निधिवन परिक्रमा करके आ चुके मेटीविल आए, और बाबा माँ वहीं पे कुछ सुन मतलब सुनने के लिए बैठा था, इसलिए मैंने बोला कि उन लोगों को घूम लेने के लिए। और हम लोग चल रहे हैं अभी वृंदावन की तरफ, सॉरी गोवर्धन की तरफ जाऊंगा। और तो गाइस अभी तो बैठ रहे खाने के लिए, खाने के बाद चलेंगे गोवर्धन का साइड। काफ़ी लेट हो चुका है, देखता हूँ कितना बजे तक पहुँच जाएंगे खाने में, सब्जी वगैरह। तो पहले तो खा लेते उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी आ चुका फिर से मथुरा बस स्टैंड पर, क्योंकि प्रेम मंदिर के साइड से गोवर्धन के लिए डायरेक्ट बस ऑटो कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप हायर करके जाओगे बुक करा के तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा लेता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे शहरी में चला जाए, इसलिए अभी बस स्टैंड पर आ चुका हूँ। और ऐसे देखता हूँ क्या मिलता है, बस ऑटो जो भी मिलेगा तो अभी चलेंगे गोवर्धन, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी जा रहे थे गोवर्धन, तो अपने बस अभी रुका है CNG डालने के लिए, तो अभी CNG डालने के बाद चलेंगे गोवर्धन की तरफ। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, और बस में बैठने के लिए एक भी सीट नहीं मिला, और खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग बैठा के रखा है, तो अभी खड़ा होकर जाना पड़ेगा इतना दूर। और चलते हैं, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, आपको बताऊँगा। और कल तो गोवर्धन पूजा है, तो कल गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, तो मिलता हूँ जाके। गाइस आ चुका हूँ गोवर्धन, और पीछे गोवर्धन बस अड्डा। सो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है गोवर्धन परिक्रमा का, और वहाँ का नाइट व्यू का, ठीक है। तो बाय बाय, राधे राधे।